मेरी वीडियो लंबी होगी, टाइम टेकन होगी, बट एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको करना होता है नोवेल का एनालिसिस, और वो एनालिसिस आज मैं अपनी इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। सो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंजर, जिसे आउटसाइडर भी बोलते हैं, और ये किसने लिखी है? अल्बर्ट कैमस ने। तो हमेशा की तरह अपनी एक्सप्लेनेशन में मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी कैरेक्टर्स, देन समरी, कंप्लीट समरी, एंड लास्ट में थीम्स ऑफ दिस नोवेल, क्योंकि एग्जाम में आपको थीम्स एनालिसिस ही आता है करने के लिए मेनली। तो वो थीम्स एनालिसिस आप कैसे करेंगे, कौन कौन सी मेन थीम्स होंगी, वो आपको समरी पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा। इसलिए समरी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी, आप अपना आंसर अपनी लैंग्वेज में नहीं बना पाएंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसके कैरेक्टर्स। तो बच्चों, एक्सप्लेनेशन आप पूरी एंड तक देखिएगा, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर एक भी कैरेक्टर या फिर स्टोरी का कोई भी पार्ट आपसे मिस हो जाता है, तो आप पूरी स्टोरी में कंफ्यूज हो सकते हैं, एंड आई डोंट वांट बिकॉज ऑफ योर कंफ्यूजन यू हार्म योर एग्जाम। ठीक है, सो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा मिस सॉल्ट। इसको आप मिस सॉल्ट ही प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि ये जो आर है ये साइलेंट है। ऑलराइट, सो हु इज ही? ही इज प्रोटैगोनिस्ट एंड हीरो ऑफ आर नोवेल। ये हमारी कहानी का कौन है? हीरो है। लैक ऑफ फीलिंग, इसका कैरेक्टर कुछ इस टाइप का है ना, बाकी सब इंसानों से अलग है ये। लैक ऑफ फीलिंग यानी कि इसके अंदर किसी के प्रति कोई फीलिंग नहीं है, इवन इसके अंदर इसकी माँ तक के लिए फीलिंग नहीं है। ओके, सो यू कैन से हिम इमोशनलेस, कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। इसका मानना ऐसा रहता है कि हम इंसान है और इंसान का सिर्फ एक ही काम होता है, खाना पीना सोना और इंजॉय करना, बाकी किसी की खुशी से किसी की तकलीफ से इसे कुछ लेना देना नहीं है। He sent his mother to old person home. Old person home यानी कि old age home जो होते हैं, वृद्ध आश्रम जो होते हैं। तो वृद्ध आश्रम में इसने अपनी माँ को 3 साल पहले ही भेज दिया था रहने के लिए, यानी कि अब फिलहाल ये अपनी माँ के साथ नहीं रहता। ओके, ये कहाँ रहता है वो मैं आपको समरी में बताऊंगी। ओके, तो आप आंसर में ओल्ड पर्सन होम वर्ड इसका ही यूज करेंगे, ओल्ड एज होम मत लिखाना, क्योंकि जनरली लोग आम बोलचाल की भाषा में ओल्ड एज होम इस शब्द को यूज करते हैं वृद्धाश्रम के लिए। बट आपको अपने एग्जाम में आंसर कैसा लिखना है, जो आपके कोर्स से रिलेट करता हो। ठीक है, अगर आप बहुत ही कॉमन सी इंग्लिश लिख करके आ जाएंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए ट्राई कीजिएगा कि अपने आंसर में आप बेटर से बेटर वर्ड का यूज करें। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे मिस सॉल्ट की मदर। इनका कहीं पर भी नेम मेंशन नहीं है, तो नेम ढूंढने में आप भी अपना टाइम वेस्ट मत करना, सिंपली आप मेंशन कर सकते हैं मिस सॉल्ट मदर। थर्ड कैरेक्टर है हमारी मैरी कॉर्डोना। मैरी कौन है? मिस्ट्रेस ऑफ हीरो, यानी कि जो हमारा हीरो है मिस सॉल्ट, ये इसकी गर्लफ्रेंड है। सो अगेन आप एग्जाम में मिस्ट्रेस वर्ड यूज कर सकते हैं या बीलव्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, बट गर्लफ्रेंड वर्ड मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि जिस जमाने के बच्चे होते हैं उनको उसी जमाने की भाषा में समझाना चाहिए। ठीक है, इसलिए गर्लफ्रेंड आप मत लिख करके आना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर्स। नेक्स्ट कैरेक्टर इज डायरेक्टर। कौन डायरेक्टर, कहाँ का डायरेक्टर? जो वो वृद्ध आश्रम था जहाँ पर मिस सॉल्ट की माँ रहती थी, ये उसी वृद्ध आश्रम का मालिक है, ऑनर है। ठीक है, लेकिन नोवेल में इसको डायरेक्टर बोला गया है, और उसी वृद्ध आश्रम का ओल्ड एज होम का एक केयर टेकर भी है, ये केयर टेकर है वहां पर वहां का। नेक्स्ट है थॉमस पेरिज। थॉमस पेरिज कौन है? ये बूढ़ा आदमी है जो उसी सेम ओल्ड एज होम में रहता है जहाँ पे मिस सॉल्ट की माँ रहती है। तो इन दोनों में ना पटती बहुत ज्यादा है, उस बूढ़े आदमी में और मिस सॉल्ट की माँ में, क्योंकि वो भी तो बूढ़ी है। सो दे बोथ कंफर्टेबल विद ईच अदर, दोनों बहुत गपशप करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं अपने लाइफ की एक दूसरे से। तो इन दोनों में इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप हो जाती है कि आसपास के जो और लोग होते हैं वृद्धाश्रम में रहने वाले, वो लोग इनको देखकर बातें बनाने लगते हैं कि ये तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, हस्बैंड और वाइफ। तो उस टाइप से वो लोग बातें बनाने लगते हैं कि इनका कोई अफेयर चल रहा है। तो लोगों का काम तो होता ही है बातें बनाना, कुछ भी बनाएंगे, बट रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये दोनों बस एक अच्छे फ्रेंड हैं
और इस उम्र में आकर अपने लाइफ की कुछ बातें शेयर कर लेते हैं, थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट इज इमैनुअल। इमैनुअल कौन है? ऑफिस फ्रेंड ऑफ म्यूसॉल्ट। ये म्यूसॉल्ट का ऑफिस फ्रेंड है, जिसे हम कुलीग भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सैलमानो। ये कौन है? म्यूसॉल्ट का पड़ोसी, यानी कि जिस अपार्टमेंट में म्यूसॉल्ट रहता है उसी बिल्डिंग में किसी और अपार्टमेंट में ये सैलमानो भी रहता है। और इसका एक पैट होता है कुत्ता, और उस कुत्ते का नाम है मैंगी। तो आप सोच रहे होंगे क्या ये सब इम्पोर्टेंट है हमारे नोवेल के लिए, ये पड़ोसी, ये कुत्ता, ये ऑफिस का दोस्त। जी हाँ, इन सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है, बेशक छोटा सा रोल प्ले किया है, बट जब तक आप डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं जानेंगे तो आप अपना आंसर कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे। इसलिए नोवेल का एक एक कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का बिहेवियर, उस कैरेक्टर का रिलेशन एंड समरी, ये सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रेमंड साइड्स। तो रेमंड भी एक दूसरा पड़ोसी है म्यूसॉल्ट का, और इसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, तो इसको जरूर याद रखेंगे हम। एंड ही हैज एक्स मिस्ट्रेस ऑफ अरब, और इसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, और उसकी वो गर्लफ्रेंड अरेबियन थी, यानी कि अरब से थी। नेक्स्ट इज ब्रदर ऑफ रेमंड्स मिस्ट्रेस, यानी कि ये रेमंड की जो गर्लफ्रेंड थी ना, इसका एक भाई भी था, तो उस भाई का नाम कहीं भी मेंशन नहीं है, और ना ही उस मिस्ट्रेस का, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी कहीं भी मेंशन नहीं है। तो आप नाम मत ढूंढिएगा, आप सिंपली लिख सकते हैं ब्रदर ऑफ रेमंड मिस्ट्रेस एंड मिस्ट्रेस ऑफ रेमंड, रेमंड की प्रेमिका। तो ये दोनों भाई बहन क्या थे? अरब थे, अरेबियन थे। तो होता क्या है, ये रेमंड जो है अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है वो मुझे चीट कर रही है। और फिर इस रेमंड की अपनी गर्लफ्रेंड के भाई से भी लड़ाई हो जाती है हमारी नोवेल में। तो वो सारी कहानी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं समरी स्टार्ट करूंगी। नेक्स्ट इज मैसन। मैसन कौन है? फ्रेंड ऑफ रेमंड, जो अभी मैंने रेमंड लिखा था पहले ही, उसी का दोस्त है। एंड ऑनर ऑफ सी बीच, यानी कि एक समुद्र है, वहां पे एक बीच होता, बीच है, तो ये उस सी बीच का ऑनर भी है। नेक्स्ट इज लॉयर। हमारी नोवेल में एक लॉयर भी है, किसका? म्यूसॉल्ट का ही, ठीक है, यानी कि इस पे एक केस चलेगा, और उस केस को हैंडल करने के लिए इसको एक लॉयर भी मिलेगा। प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर है ये, किसका? म्यूसॉल्ट का ही। प्रोसिक्यूटर यानी कि ये वकील उसके खिलाफ लड़ेगा, ठीक है। मैजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट, और जहां पे केस की सुनवाई होती है कोर्ट में ही होती है ऑब्वियसली, तो ये उस कोर्ट का एक मैजिस्ट्रेट है। एंड लास्ट कैरेक्टर है हमारा चैपलिन। चैपलिन कौन है? चर्च में जो फादर होते हैं उनको चैपलिन भी बोला जाता है, तो ये चर्च का चैपलिन है, यानी कि फादर। सो ही इज फादर ऑफ चर्च। सो दीज आर आवर कैरेक्टर्स। अब मैं स्टार्ट करती हूँ समरी। तो बच्चों, हमारी समरी में आपको दो लोकेशंस याद रखनी होंगी, एलगेर्स एंड मैरेंगो, ठीक है। ये हमारी लोकेशंस हैं, जगहों के नाम हैं। मैरेंगो वो लोकेशन है जहाँ पर वो वृद्ध आश्रम है, ओल्ड एज होम है, जहाँ पर म्यूसॉल्ट की माँ रहती है, ठीक है, म्यूसॉल्ट्स मदर लिव्स। और एलगेर्स, एलगेर्स ये कौन सी लोकेशन है? जहाँ पे खुद म्यूसॉल्ट रहता है, ओके, where म्यूसॉल्ट lives, in a apartment, यहाँ पर एक apartment है, ये उस apartment में रहता है, ठीक है। तो apartment एक building जैसा होता है, तो उसमें ये भी रहता है, और इसके दो पड़ोसी जो मैंने आपको नेम लिखवाए थे, सैलमानो एंड रेमंड, वो भी रहते हैं। तो मैंने आपको कैरेक्टर्स में ही बता दिया था कि 3 साल पहले ये अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ आया था, तो अब करंट में ये अकेला ही रहता है। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि इस म्यूसॉल्ट को ना एक टेलीग्राम मिलता है, he receives a telegram, जिसमें ये खबर होती है कि उसकी माँ की मौत हो गई है, ठीक है। उस टेलीग्राम में न्यूज है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है ओल्ड एज होम में ही, और ये न्यूज पढ़कर अब वो अपनी माँ को देखने के लिए यहाँ से निकलता है, और एक बस पकड़ता है, बस से जाता है ये, कहाँ की बस? मैरेंगो के लिए, ठीक है। तो पूरे रास्ते जो बस का सफर होता है, पूरे रास्ते ये आराम से सोता हुआ जाता है। कैन यू इमेजिन, आपकी माँ मर गई है और आप आराम से सोते हुए जाओगे। तो कैरेक्टर्स में मैंने आपको पहले ही लिख दिया था ये क्या है, कैसा बंदा है, इमोशनलेस, कोई फीलिंग नहीं है इसके अंदर।
इसके अंदर इसकी खुद की माँ के लिए फीलिंग नहीं है, तभी तो वृद्धाश्रम में छोड़ के आया है। तो यहाँ पे ये सिर्फ इसलिए जा रहा है फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कि भाई कल कोई ये ना कहे कि बेटा देखने भी नहीं आया। I'm removing this part. तो जब ये ओल्ड एज होम पहुंचता है रिसॉर्ट, तो ये वहां के डायरेक्टर से मिलता है। तो ये जो डायरेक्टर होता है इस रिसॉर्ट को परमिशन दे देता है अपनी माँ से मिलने के लिए, जो कि अब डेड बॉडी बन चुकी है। तो जब ये अपनी माँ को देखने जाता है तो इसकी माँ का जो शव है वो कॉफिन में सील होता है, यानी कि जो तख्ते होते हैं ना जिनके अंदर लाशों को रखा जाता है, कब्र बोलते हैं हिंदी में, तो कब्र के अंदर उसकी माँ की लाश ऑलरेडी सील हो चुकी थी। तो वहां का जो केयर टेकर होता है वृद्धाश्रम का, वो बोलता है कि क्या तुम अपनी माँ का चेहरा देखोगे, यानी कि वो केयर टेकर रेडी था उस कब्र को खोलने के लिए ताकि वो अपनी माँ से मिल सके, लेकिन ये रिसॉर्ट मना कर देता है कि नहीं रहने दो, मुझे नहीं देखना, यानी कि अपनी माँ की लाश तक को नहीं देखना चाहता, इतना ज्यादा इमोशन लेस है ये। तो फिर ये उस रात वहीं रुकने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगले दिन इसकी माँ का अंतिम संस्कार होना था और अंतिम संस्कार तो बेटा ही करेगा, इसलिए रात भर इसको वहां पे रुकना पड़ा और रात भर ये अपनी माँ की कब्र को देखता रहा। इवन वहां के जितने भी लोग प्रेजेंट थे वृद्धाश्रम में, सबने ये बात नोटिस करी कि इस लड़के के आंख में एक भी आंसू नहीं है, इसको अपनी माँ के जाने का कोई गम ही नहीं है, कोई दुख नहीं है, और उल्टा ये इंजॉय कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये वहां पर सिगरेट भी पीता है, स्मोक करता है, कॉफी पीता है, ड्रिंक्स कॉफी एंड डोजेस ऑफ खान, इतना खाना पीने के बाद उसकी जो आग लग जाती है तो ये थोड़ा सा सो भी जाता है, ठीक है। तो इस तरह का नेचर, इस तरह का एटीट्यूड कौन कर सकता है? एक वही इंसान कर सकता है जिसको किसी की भी कदर ना हो, जिसको किसी से भी प्यार ना हो और वो अपनी दुनिया में ही मगन रहता है। तो इसका ये जो एटीट्यूड है, ये बर्ताव वहां के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अब क्या होता है, सुबह हो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि ये वो दिन है जो इसकी माँ का अंतिम संस्कार होना है। तो ये रिसॉर्ट सुबह सुबह फिर से डायरेक्टर से मिलता है और डायरेक्टर जो है रिसॉर्ट से कहता है कि तुम आज अंतिम संस्कार करके ही जाओ, यानी कि इसका जो फनरल होने वाला है उस इवेंट को तुम्हें अटेंड करना ही होगा। तो इसके मन में तो होता नहीं है कि अंतिम संस्कार करके जाए, फनरल इवेंट को अटेंड करे और जितनी भी रस्में होती हैं अंतिम संस्कार से रिलेटेड वो सभी कुछ भी नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी ये बोल देता है ठीक है, रेडी हो जाता है अंतिम संस्कार करने के लिए, फनरल को ज्वाइन करने के लिए। और ये जो डायरेक्टर है रिसॉर्ट को ये भी बताता है कि हमारे यहाँ एक थॉमस पेरेज नाम के व्यक्ति हैं, जो कि मैंने आपको बताया था एक बूढ़ा आदमी है, ओल्ड मैन है, जो कि इसी सेम वृद्धाश्रम में रहता है। तो डायरेक्टर कहता है कि थॉमस पेरेज भी जो है फनरल को अटेंड करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी माँ के बहुत खास थे और तुम्हारी माँ की उनसे खूब बनती थी। तो इतना सब होने के बाद अब फनरल भी हो चुका है, इसकी माँ का अंतिम संस्कार भी हो गया है और अब ये खुश होकर अपने घर लौट रहा है। कैन यू इमेजिन, ही इज हैप्पीली अराइव्ड। कहाँ पे आ रहा है? अपने घर। और इसका घर कहाँ पे है? एलग्रीस में, ठीक है। सो ही हैप्पीली अराइव्स बैक एट होम। तो बच्चों अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे ये रिसॉर्ट जाता है बीच पर स्विमिंग करने के लिए, ही स्विम, और यहाँ पर ये अपनी गर्लफ्रेंड मैरी से भी मिलता है, जो कि इसकी पहले को वर्कर भी रह चुकी है, ठीक है। ही इज फॉर्मर को वर्कर ऑफ रिसॉर्ट, यानी कि ये दोनों पहले किसी ऑफिस में काम करते थे एक साथ। तो उस दिन ये दोनों मिलकर के डेट पे जाते हैं, पहले ये डेट पे जाते हैं, पूरा दिन डेट करते हैं एक दूसरे को और फिर इवनिंग में ये दोनों मूवी देखने चले जाते हैं थिएटर में, ठीक है। इवनिंग में देखते हैं ये लोग कॉमेडी मूवी। कैसी मूवी? कॉमेडी। और फिर ये दोनों अपनी रात भी एक साथ बिताते हैं, दे स्पेंड देयर नाइट टुगेदर। और कहाँ बिताते हैं ये रात? इसी के घर पे, अपने घर पे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाएगा ना। तो जब सुबह होती है तो ये देखता है कि भाई मैरी तो जा चुकी है, यानी कि ये पहले ही उठ के यहाँ से चली जाती है और ये अकेला अपने बेड पे सोता रहता है, कब तक? पूरी दोपहर तक। फिर जब ये नून में उठता है, दोपहर में उठता है, तो ये बालकनी में जाके बैठ जाता है, कब तक? शाम तक, टिल इवनिंग, ठीक है। बालकनी में बैठा रहता है
और जो आसपास से लोग गुजर रहे होते हैं उन्हें देखता रहता है। तो यहाँ पे आप क्या नोट करेंगे कि अभी इसकी माँ का देहांत हुआ है, जस्ट अभी अभी हुआ है एक दिन पहले, और अगले ही दिन अपनी माँ का अंतिम संस्कार होते ही ये वापस घर आके अय्याशियां कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट कर रहा है, उसे मूवी दिखा रहा है, यानी कि फुल एंजॉयमेंट चल रहा है लाइफ में, और माँ के मरने का इसे कोई गम नहीं। ठीक है, तो ये भी इसी के कैरेक्टर का एक पार्ट है। तो ये था इसका इस दिन का शेड्यूल। अब देखते हैं अगले दिन क्या होता है इसके साथ, और अगला दिन है हमारा मंडे। ठीक है, तो बच्चों मंडे को क्या होता है, ये मिस सॉल्ट अपने ऑफिस जाता है काम करने। ठीक है, यानी कि वही डेली का जो शेड्यूल रहता है, ऑफिस जाना, काम करना, वापस घर आना, वही रूटीन इसका भी होता है। ऑफिस जाता है, ऑफिस में मैंने आपको लिखवाया था इसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है इमैनुअल, राइट। तो जब ऑफिस में लंच होता है तो ये इसके साथ लंच भी करता है, और फिर पूरे दिन ऑफिस का काम करके अब शाम को ये अपने घर लौट रहा है। ठीक है, अब हो गई है इवनिंग। तो जब ये घर लौटता है तो ये अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, ये है इसका अपार्टमेंट। अब ये ऊपर चढ़ रहा है और रास्ते में इसको इसका पड़ोसी मिल जाता है जिसका नाम है सैलेम मैनो। ठीक है, कैरेक्टर में मैंने लिखवाया था ये सैलेम मैनो इसका पड़ोसी होता है, और इसका एक कुत्ता है मैंगी नाम का। तो ये अपने पड़ोसी से मिलता है, हाय हेलो करता है, हाल चाल लेता है और आगे बढ़ जाता है। अब ये और आगे जाता है तो इसको इसका एक और पड़ोसी मिलता है रेमंड। तो ये रेमंड से भी हाय हेलो करता है, और ये रेमंड इसको डिनर के लिए इनवाइट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेमंड ने मिस सॉल्ट को इनविटेशन दिया है डिनर के लिए कि भाई आओ साथ में मिलके डिनर करेंगे। और रेमंड के बारे में ना एक अफवाह होती है कि ये एक दलाल है। ठीक है, यानी कि एक दलाली जैसा काम भी करता है। तो अब ये दोनों मिलकर के डिनर करते हैं, और डिनर के बाद ये जो रेमंड है मिस सॉल्ट को बताता है कि तुम्हें पता है मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ना बहुत पीटा था। यानी कि ये अब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात बता रहा है, एक्स मिस्ट्रेस, जो कि मैंने कैरेक्टर में क्या बताया था, वो एक अरब थी, अरेबियन थी। ठीक है, अरब। तो ये रेमंड इसी की बात छेड़ देता है और कहता है कि तुम्हें पता है मिस सॉल्ट मैंने ना अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत पीटा था, इसलिए क्योंकि उसने मुझे चीट किया, और इसी बात पे ना मेरी लड़ाई भी हो गई थी उसके भाई से, यानी कि इस लड़की के भाई से, लेकिन मुझे ना अभी भी और बदला लेना है उससे, मैं उस लड़की को और तड़पाना चाहता हूँ, और इस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो मिस सॉल्ट कहता है क्या हेल्प चाहिए भाई। तो ये रेमंड बोलता है तुम ना मेरी तरफ से एक लेटर लिखो मेरी गर्लफ्रेंड को, और बड़े प्यार भरे शब्द उसमें लिखना, कुछ इस तरह से लेटर लिखना कि मैं उसे मनाना चाहता हूँ साथ रहने के लिए। ठीक है, तो ये मिस सॉल्ट वही करता है, ये प्यार भरा लेटर लिखने के लिए रेडी हो जाता है और लिख भी देता है जैसा जैसा रेमंड उसे लिखने के लिए बोलता है। ठीक है, यानी कि वो लेटर को कुछ इस टाइप से लिखता है कि ये जो लड़की है ना ये मान जाए और सब कुछ गिले शिकवे भुला करके वापस रेमंड के पास आ जाए। तो ये तो सिर्फ एक चारा था उसको वापस बुलाने का, असली प्लान क्या है कि रेमंड इसको और ज्यादा तड़पाना चाहता है और इसको बदला लेना है इससे, इसलिए ये झूठा लेटर लिखवा के इसको वापस बुलवा लेता है। और जब ये लेटर इसकी गर्लफ्रेंड पढ़ती है तो वो मान जाती है, गर्ल्स तो होती ही हैं सॉफ्ट हार्टेड, तो इजीली मान जाती है और वापस से रेमंड के पास आ जाती है। तो अब कई दिन बीत जाते हैं, और अब मंडे के बाद हम देखेंगे सीधा सीन सैटरडे मॉर्निंग का। ठीक है, तो बच्चों अब सैटरडे का दिन आ गया है, और अब हमारी नोवेल का क्या सीन है, ये जो मैरी है इस मिस सॉल्ट से मिलने के लिए अपार्टमेंट में आती है, मिस सॉल्ट के अपार्टमेंट में ही, और ये इससे कुछ अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें करती है, क्योंकि मैरी तो सीरियस होती है अपने रिलेशनशिप के लिए, बट ये मिस सॉल्ट इतना सीरियस नहीं होता। तो ये इसी के ऊपर बात करते हैं अपने रिलेशनशिप के ऊपर, टॉक अबाउट रिलेशनशिप। फिर ये दोनों रियलाइज करते हैं कि बाहर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। ठीक है, जोर जोर से, और वो आवाजें कहाँ से आ रही होती हैं, रेमंड के अपार्टमेंट से। तो ये दोनों यहाँ पे आते हैं रेमंड के अपार्टमेंट में, देखते हैं कि भाई इतना शोर क्यों हो रहा है और इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं। तो ये लोग जब यहाँ पहुंचते हैं तो इनको मिलती है पुलिस, क्योंकि यहाँ पे पुलिस आई हुई होती है
क्यों? रेमंड को अरेस्ट करने के लिए। और ये जो पुलिस वाला होता है रेमंड को एक जोर का थप्पड़ लगाता है और कहता है कि हमारे पास समन है इस तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने का और हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे। तो ये लोग पूछते हैं किस जुर्म में, तो पुलिस वाला कहता है कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से पीटा। ठीक है, जो लेटर लिख करके इसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वापस बुलाया था ना, तो अब बदला लेने के लिए ये इसको दोबारा पीटता है। तो इसी की कंप्लेंट पर पुलिस इसे अरेस्ट करती है। फिर ये रेमंड क्या करता है, मिसॉल्ट से कहता है कि तुम्हें मेरे पक्ष में गवाही देनी होगी, यानी कि मेरे फेवर में बोलो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं, ये लोग मुझे ले जाना पाए। तो फिर मिसॉल्ट वही करता है, रेमंड का साथ देता है और कोई झूठी गवाही दे देता है रेमंड के फेवर में, जिसकी वजह से पुलिस उसे लेकर के नहीं जाती। तो ये था सीन सैटरडे का। अभी आगे जाकर के ना ये क्राइम करेगा और उसमें खुद ही फंस जाएगा, आगे देखिएगा आप। ये छोटे छोटे इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब ये केस में फंसेगा ना क्राइम के, तो ये इवेंट्स ही इसके खिलाफ सबूत बनेंगे, इसलिए इनको इग्नोर करके हम समरी नहीं पढ़ सकते। तो अब सैटरडे की नाइट को क्या होता है, ये जो मैरी है ये मिसॉल्ट से कहती है कि हमारे रिलेशनशिप को काफी टाइम हो गया है तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, वी हैव टू गेट मैरिड। तो शादी की बात सुनते ही मिसॉल्ट के नाक मुंह बन जाते हैं, इसके फेस से ऐसा लगता है कि इसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है शादी करने में। इसका मानना ऐसा है कि शादी से पहले भी हम ऐसे रहते हैं, शादी के बाद भी हम वैसे रहेंगे, क्या फर्क है, शादी की रस्म करके कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। फिर ये इसको रिप्लाई देता है कि चलो मैं शादी कर लूंगा तुमसे अगर तुम चाहती हो तो, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम शादी करके ही मेरे साथ रहोगी तो मैं शादी कर लेता हूँ तुमसे। यानी कि शादी के लिए मान भी जाता है लेकिन इसका अंदर से मन नहीं होता। और फिर ये दोनों सगाई कर लेते हैं, दे इंगेज्ड। ठीक है, तो इन दोनों ने अब क्या कर ली, इंगेजमेंट कर ली है। तो ये तो था मैरी और मिसॉल्ट का सीन। और अब उधर रेमंड क्या करता है, उसी सैटरडे की रात को ये घूम रहा होता है अपने अपार्टमेंट में, और फिर ये अपने ही पड़ोसी सेलेमानो से मिलता है जो कि रो रहा होता है और दुख मना रहा होता है अपने कुत्ते के भाग जाने का। इसका जो कुत्ता था मैंगी वो कहीं चला गया था और उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी था। ठीक है, तो ये था हमारा सैटरडे का पूरा सुबह से लेकर रात तक का सीन। अब संडे का क्या सीन है हमारी समरी में वो देखेंगे, क्योंकि सैटरडे के बाद अब अगला दिन संडे ही तो है। बच्चों को ना ये नंबर बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज अच्छे से बता रही हूँ, लोकेशन के साथ, डेज के साथ कि कौन से डे पे कौन सा इवेंट हुआ, और वो इवेंट जब हो रहा था तो इन कैरेक्टर्स के मन में एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स चल रही थी। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, इसलिए विदाउट स्किप करे एक्सप्लेनेशन पूरी देखेंगे, एक भी पार्ट मिस हुआ तो यू लॉस्ट। तो बच्चों अब आ गया है संडे का दिन, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी संडे को ये मिसॉल्ट एक क्राइम करेगा। ठीक है, तो होगा क्या है संडे के दिन, मिसॉल्ट, मैरी और रेमंड ये तीनों मिलकर के जाते हैं सी बीच पर, यानी कि बीच हाउस पर। और ये किसका बीच होता है, मैसन का। मैंने आपको लिखवाया था इस बीच का मालिक कौन होता है, मैसन ऑनर। तो ये तीनों यहाँ बीच पे जाकर के आराम से खुशी से स्विमिंग करते हैं, दे डिड स्विमिंग एंड लंच टाइम में ये तीनों मिलकर के लंच करते हैं, यानी कि एक अच्छा एंजॉयमेंट इनका चल रहा होता है। तो लंच करके ये मैरी तो यहाँ से चली जाती है, शी इज गॉन, सो आई एम रिमूविंग हर, रिमूव कर दिया मैंने मैरी को। तो अब बीच पर कौन कौन है, मिसॉल्ट है, रेमंड है और ये मैसन है। ठीक है, ये तीन बंदे हैं जो कि लंच करके आराम से अपना टाइम काट रहे हैं बीच पर। तो अब इन तीनों को ना इस बीच पर दो अरब दिखाई देते हैं, दो अरब लोग दिखते हैं, जिसमें से एक तो होता है उसी रेमंड की गर्लफ्रेंड का भाई। ठीक है, जो इसकी गर्लफ्रेंड थी जिसको ये पीटता था उसका भाई होता है, और दूसरा अरब इसी भाई का कोई एक साथी होता है, फ्रेंड समझ लीजिए आप। तो ये रेमंड यहाँ आकर के इनसे मिलता है, दोनों अरबों से, और जब ये देखता है कि इसमें से एक तो मेरी गर्लफ्रेंड का भाई है, तो वही इन दोनों में छिड़ जाती है लड़ाई, ये दोनों लड़ने लगते हैं आपस में।
क्योंकि ये अपनी बहन के लिए लड़ता है और वो इसलिए लड़ता है कि इसकी बहन ने उसे चीट किया, ठीक है? तो ये अपने बदले के लिए लड़ता है और ये अपनी बहन के लिए लड़ता है। They fight together. और लड़ाई में क्या होता है, ये जो रेमंड है ना घायल हो जाता है, इसका भाई इसको चाकू मार करके घायल कर देता है। He stabbed him. और फिर घायल होने के बाद ये यहाँ से चले जाता है रेमंड, और अपनी चोट को ठीक होने का वो इंतजार करता है, ठीक है? तो जैसे ही इसकी चोट थोड़ी सी ठीक होती है, ये वापस लौट आता है इसी बीच पर, किसके साथ? मिस ऑल्ट के साथ, ठीक है? तो जब ये दोनों वापस आते हैं बीच पर, इनको फिर से ये दोनों अरब मिलते हैं, और इस बार ना ये रेमंड अपने साथ एक गन लेकर के आया था, बंदूक लाया था कि अब तो मैं इनको उड़ा के जाऊंगा। तो ये रेमंड क्या करता है, इन दोनों अरबों को देखकर दूर से ही गोली मारने वाला होता है, लेकिन ये मिस ऑल्ट इससे इसकी बंदूक ले लेता है और कुछ बात करके वो बंदूक नहीं चलाने देता, ठीक है? यानी कि ये जो गन है ये अब किसके पास है, मिस ऑल्ट के पास है। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है? ये चले गए बीच से, और ये जो दोनों अरब थे ये अभी भी यहीं पर है। तो बच्चों थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये मिस ऑल्ट वापिस आता है इसी बीच पर, और इसके पास वो गन भी होती है जो इसने रेमंड से छीन ली थी। तो ये मिस ऑल्ट का ना कुछ ऐसा बिहेवियर है, ऐसा कैरेक्टर है कि ये फिजिकल अपीयरेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, यानी कि इसके आसपास जो फिजिकल चीजें होती हैं, जो इसकी बॉडी से भी रिलेट करती हो, वो चीजें इसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। जैसे ये बीच पर घूम रहा है और इसकी बॉडी से अगर पानी टच हो जाए तो इसे बहुत ज्यादा फीलिंग आ जाती है पानी टच होते ही, और जो ऊपर सूरज निकला हुआ है, सूरज की रोशनी और जो सूरज की हीट है, जो सनलाइट इसकी बॉडी पे पड़ रही है ना, उससे इसका दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है? तो ये खुद को ठंडा करने के लिए आता है बीच पर कि भाई बीच पे जाता हूँ, थोड़ा अपना दिमाग ठंडा करके आता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीच पर जाते ही सनलाइट की वजह से इसका दिमाग और गर्म हो जाता है और ये खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, ठीक है? और फिर ये क्या करता है उसी कंडीशन में, इसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है इसकी बॉडी को, ये बंदूक चला देता है और उस लड़की के भाई को मार देता है, ठीक है? यानी कि जिसको रेमंड मारना चाहता था उसी आदमी को ये मिस ऑल्ट मार देता है अपने फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से। और जब वो गोली चला के इस आदमी को मारता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसने उसको मार दिया, इतना ज्यादा इसका दिमाग गर्म हो जाता है उस टाइम, ठीक है? तो अब फिलहाल यहाँ पे मिस ऑल्ट ने कर दिया है मर्डर। तो अब मर्डर के बाद इस पे पुलिस केस हो जाता है और पुलिस इसे लेके चली जाती है, अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है, ठीक है? तो सनलाइट का इसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इसे कुछ समझ नहीं आता ये कहाँ पे खड़ा है, क्या कर रहा है, और इसके हाथों से कुछ भी काम हो जाता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि इसको ये एक मेंटली प्रॉब्लम भी है, यानी कि फिजिकल चीजें इसे ज्यादा फील होती हैं, ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, और अपनी गर्लफ्रेंड से भी ये इसलिए ही अटैचमेंट में रहता है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना इसे पसंद है। इवन जब इसकी माँ की मौत हुई थी और जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो वहां पे भी इसे खड़ा रहना पड़ रहा था, और उस टाइम भी इसके ऊपर सनलाइट आ रही थी, यानी कि हीट आ रही थी। तो इसको अपने माँ के अंतिम संस्कार में खड़ा रहना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इसको गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही थी, ठीक है? तो इतना ज्यादा फिजिकल अपीयरेंस ये फील करता है अपने आसपास और अपने बॉडी पर। सो अब फाइनली इसने मर्डर कर दिया है उस लड़की के भाई का और अब इसको हो गई है जेल। तो आगे की समरी बताने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर विजिट करिएगा, वहां पे मैंने और भी नोवेल एक्सप्लेन कर रखे हैं, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मेरी नोवेल एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है। तो ऐसे और भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। तो बच्चों अब जेल में पहुंचने के बाद ये मिस ऑल्ट मिलता है अपने लॉयर से, Subscribe my channel and don't forget to click on the bell icon.